नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के अहम खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में पूरी तरह से करेंगे माफियाओं का सफाया। इंदौर में मध्य प्रदेश सहकारिता मंत्री का ऐलान। सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने की दोपहर न्यूज से चर्चा। कहा भू माफियाओं के बाद जुआ सट्टा शराब आदि की गतिविधियों में लिप्त माफियाओं का पूरी तरह से करेंगे सफाया। साथ ही भाजपा पर कसा तंज। कहा इनके राज में ही ऐसे लूट पनते थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि अब तक चले अभियान में करोड़ों की जमीन माफियाओं से सरकार ने मुक्त कराई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था सरकार के नियंत्रण में है। किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। कोई भी हो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने भाजपा सरकार के समय पोषित माफियाओं से करोड़ों रुपए की कीमती जमीन मुक्त करवाई है और उसके असली वारिसों को दी जा रही है। पुलिस किसी भी हालत में अपना नियंत्रण बनाए हुए है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि ये जनता की सरकार है जिसमें गुंडे बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है। घर तो उठ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर गिरफ्त में तो है ही नहीं बड़े माफिया आपकी पुलिस। हमारी कार्रवाई चल रही है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी माफिया हमारी गिरफ्त में आने से बच नहीं पाएगा। ध्यान रखना, पिछले भाजपा की सरकार में पूरा मध्य प्रदेश जो अपराधियों का गढ़ बन चुका था, गुंडों का गढ़ बन चुका था, और देखो हजारों करोड़ की जमीनें हमने उनसे मुक्त कराई है। ये बड़ी कार्रवाई है और ये निरंतर जारी रहेगी और कोई भी हमारी कानूनी कार्रवाई से कोई बच नहीं पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, साफ निर्देश माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के हैं और हम लोग सख्ती से उसका पालन कर रहे हैं और करवा रहे हैं। रेसिडेंसी कोठी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हुई है। पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बात रख रहे हैं। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सदाशिव यादव, राजेश चोकसे, एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी, राजेश यादव, किशोर डोंगरे, संजय बाकलीवाल, अफसर पटेल, इम्तियाज बेलिम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रभारी मंत्री ने सभी की बात सुनी और निराकरण के संबंध में निर्देशित किया। स्वच्छता रिगेन अभियान द्वारा 40 युवाओं का संगठन इंदौर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक नई पहल कर रहा है। इसके तहत शहर में हर माह तकरीबन 2,00,000 कागज के कप मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। इस अभियान का शुभारंभ आनंद मोहन माथुर सभागृह में दादू महाराज के सानिध्य में हुआ। संस्था के अध्यक्ष शैलेंद्र रामले, जमील खान और रंजीत राठौर ने बताया कि इस अभियान का मकसद लोगों में पेपर बैग और कप की आदत डालना है ताकि स्वच्छता की तरह इंदौर को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके। इस अभियान के तहत इंदौर के अलग अलग क्षेत्र के दुकानदारों को संस्था की ओर से पेपर बैग और कप मुफ्त में दिए जा रहे हैं। हर माह इस तरह के 2,00,000 पेपर बैग और कप वितरित किए जाएंगे। इस अभियान के लिए युवाओं ने आपस में ही फंड इकट्ठा किया है। आज इस अभियान के दौरान दादू महाराज ने कुछ दुकानदारों को इस तरह के पेपर बैग और कप बांटे। SRF ग्रुप के आज शुभारंभ अवसर पर मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। यहां पर आकर बहुत खुशी मिली कि जितने युवा हैं वो सब 35 के अंदर के युवा हैं और वह अपने साथ साथ ऐसा भी प्रयास कर रहे हैं कि खुद तो कमाएं, लेकिन ऐसे सब लोगों को भी शामिल कर रहे हैं जो ऐप के बारे में नहीं जानते, जो मोबाइल के बारे में नहीं जानते हैं, वो अपना व्यापार किस प्रकार से फैलाएं उसके बारे में नहीं जानते। उन सब छोटे छोटे व्यापारियों को भी अपने इसमें शामिल कर रहे हैं और यह एक पुनीत कार्य कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ कि यह अपनी मनोवांछित इच्छा में प्राप्त करें और ऐसे सभी लोग जो इनसे जुड़ रहे हैं उनको भी अच्छे से ज्यादा व्यापार मिले। इस मौके पर संस्था द्वारा स्वच्छता अगेन नाम की वेबसाइट और एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी शुरू की गई। इस एप्लीकेशन में शहर के हुनरमंद असंगठित लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकेगा। 12 अलग अलग तरह के काम करने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा कर इस वेबसाइट पर डाला गया है। ये सुविधा भी इन लोगों को निःशुल्क ही उपलब्ध कराई जाएगी। शहर के लोग इस वेबसाइट पर जाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान से जुड़ सकते हैं, साथ ही हुनरमंद लोगों से सेवा लेकर उन्हें रोजगार दे सकते हैं। नए साल की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन है। इसी मौके पर सोमवार को मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने PC सेठी अस्पताल पहुंचकर मरीजों के बीच सिंधिया का जन्मदिन मनाया। तुलसी सिलावट ने यहां केक काटा और जरूरतमंदों को कंबल बांटे, बल्कि खुद अपने हाथों से मरीजों को केक भी खिलाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 1 जनवरी को जन्मदिन है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन मनाते हुए उन्हें जन्मदिन की अग्रिम बधाई दी और कहा कि इस कड़ाके की ठंड में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन के अवसर पर जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए हैं ताकि इन्हें ठंड से राहत मिल सके। अनौपचारिक देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी का जन्मदिन है 1 तारीख को, क्योंकि कल कड़ाके
कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, हमारे मित्रों ने, हमारे दोस्तों ने कहा, जो समाज का वो तबका है जिसको कम्बल की ठंड से बचने की आवश्यकता है, प्रतीक स्वरूप कुछ कम्बल हमने बांटे हैं, ये पूर्ति नहीं है, ये आवश्यकता है। जो कर सकते थे आंशिक, उन गरीबों की सेवा करने की कोशिश की है, कुछ ठंड से उनको राहत मिल सके। मैं देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी को अग्रिम जन्मदिन की बधाई देता हूं और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी को इतनी शक्ति दे, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, गरीब है, दलित है, शोषित है, उसकी सेवा करें, प्रदेश की सेवा करें, देश की सेवा करने में, विकास और प्रगति में। ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी उन्हें एक बड़ा तोहफा देने जा रही है, इस तरीके का काम उन्होंने किया है तो राज्यसभा में भी कहीं। आप जानते हैं ज्योतिराज सिंधिया उस शख्स का नाम है, उसको राष्ट्रीय महासचिव बना लो, मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दे दो, जो भी जिम्मेदारी उनको मिलती है वो कर्तव्य निष्ठा से अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए उस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं, उनके पीछे उनकी भावना रहती है सेवा की। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है, माफियाओं के खिलाफ छेड़े गए अभियान में जरा भी कोताही नहीं बरती जाएगी। अभी भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही शराब, सट्टा, जुआ व अन्य गतिविधियों में लिप्त माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इंदौर में जिला योजना समिति की बैठक में शामिल होने आए प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने दोपहर न्यूज से विशेष चर्चा करते हुए कहा कि माफियाओं पर कार्रवाई के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि वर्षों से अपने गाढ़े पसीने की कमाई से पाई पाई जोड़कर प्लॉट खरीदने वालों के साथ अब न्याय होगा, सभी को प्लॉट दिलवाए जाएंगे। मंत्री जी, सहकारिता को लेकर के अभी जो आपने बताया कि प्लॉट लोगों तक पहुँच रहे हैं, उसके बारे में क्या आपकी तैयारियाँ हैं? माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मुर्दे निर्देश दिया है कि सहकार क्षेत्र में सोसाइटियों द्वारा जो ग्रहण वाली संस्था है, तमाम मूल उद्देश्य जिन लोगों ने पैसा जमा किए हैं, जो मेंबर हैं, सदस्यों को प्लाट दिलाना पहली हमारी जिम्मेदारी है। इसमें जो भी दोषी हों, इतने गड़बड़ियाँ करने वाले हैं, उनको भी पूरी तरह से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन्होंने भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनके विरुद्ध भी, माफियाओं के चाहे शासकीय अधिकारी कर्मचारी हों, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करूंगा। सरकार की मंशा है कि प्रदेश की जनता भयमुक्त हो, दोषी अधिकारी भी नहीं बच पाएंगे। लापरवाही बरतती है जिसकी वजह से लोग प्रभावित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं। कहीं ना कहीं दोषी तो है ही, जब जनता शिकायत कर रही है, प्लाट वाले भटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कमी तो है, और जो कमी करने वाले हैं उसी की जाँच कर रहा हूँ मैं, कौन कौन इसमें दोषी है। तो आप उम्मीद करते हैं कि इंदौर में काफ़ी सारे लोगों को लाभ मिलेगा? अब मुझे तो पूरी उम्मीद है, अब आप लोगों को भी करना चाहिए, जब अभियान चला है, मुख्यमंत्री का कठोर रुख है और वो चाहते हैं, सर मुख्यमंत्री की निगाह हर जगह पहुंच रही है और हर आदमी को न्याय दिलाना उनका कर्तव्य धर्म है, उसी के तहत ये कार्रवाई चल रही है। जिन लोगों ने लोगों को लूटा है, जो लोग सट्टा चलवा रहे हैं, पक्का बार चलवा रहे हैं, हनी ट्रैप करवा रहे हैं, ऐसे लोगों पर और ज़मीनों पर कब्जा करके वसूली कर रहे हैं, बाजार वसूली, इनके विरुद्ध भी कार्रवाई कठोरता से चल रही और जारी रहेगी। डॉक्टर सिंह का कहना है कि जुआ, सट्टा, हनी ट्रैप जैसे अपराधों में लिप्त बदमाशों पर भी कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री की नज़र सब जगह है, उनकी मंशा है कि जनता को न्याय मिले, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैंने कभी पटवारियों को भ्रष्ट नहीं कहा, लेकिन लगातार उनके खिलाफ जहां जाते हैं वहां शिकायतें मिलती हैं। पटवारियों ने 3-3 साल से केस पेंडिंग कर रखे हैं, उन्हें आत्मचिंतन की आवश्यकता है। ये बात प्रदेश के सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने सोमवार को रेसिडेंसी पर एक चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि मैंने पटवारियों के भ्रष्ट होने की बात नहीं कही, बस ये कहा कि जहां जाते हैं वहां पटवारियों की शिकायत मिलती है, ये लोग काम नहीं करते हैं, लोगों को 2-3 साल तक का इंतजार करना पड़ रहा है। पटवारियों के लिए भ्रष्ट होने का बयान आपका एक सार्वजनिक होने की बात की गई है, क्या कहना है आपका इस मामले में? मैंने किसी को भ्रष्टाचार के लिए आरोप नहीं लगाया, केवल ये कही जहाँ जहाँ हमें शिकायतें मिलती हैं, जहाँ जिस गांव में जाते हैं किसानों की शिकायतें मिलती हैं कि पटवारी उन्हें नामांतरण की है, जिन पर विवाद नहीं है, 3-4 वर्ष हो जाती हैं, उस बात का जिक्र किया है। मैंने व्यक्तिगत किसी पर आरोप नहीं लगाया और कहीं ना कहीं कोई कमी तो है, जब किसान भाई इस तरह की शिकायत करते हैं, 3-4 वर्ष से विवादित नामांतरण बंटवारे क्यों पड़े हुए हैं,
ये उनकी ड्यूटी है, करना चाहिए। उनमें आप पटवारी साथियों को भी अपना आत्म मंथन करके इस समस्या का निदान, किसानों की शिकायत ना आए, इस ओर भी रुक। इंदौर में आत्महत्याओं के सिलसिले लगातार जारी है। सोमवार को फिर एक नाबालिग छात्रा ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान छात्रा को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। मामला इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां क्षेत्र के ही दिव्या कॉन्वेंट स्कूल में नवी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को दो दिन पूर्व स्कूल प्रबंधन ने परीक्षा के दौरान बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद से वह डिप्रेशन में थी और उसी के चलते छात्रा ने शनिवार देर शाम जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की थी। परिजन ने उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया था, वहीं छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रामचंद्र, क्या हुआ, मामला क्या है पूरा? मामला यह है सर कि हमारी बच्ची गई थी एग्जाम देने। जी, एग्जाम देने गई थी वहाँ पे। वो देने के बाद में वो घर आई, घर आए गए तो सही सलामत आई घर, वहाँ से आने के बाद में उसने पाइजन पी लिया, और पाइजन पीने के बाद में ये बताया गया मुझे, हम बच्ची और हमको, कि मैंने पाइजन पी लिया है और मुझे स्कूल से भगा दी थी। बोले पेपर भी छुड़ा लिया और कॉपी भी छुड़ा ली। मैडम उनसे स्कूल में बच्ची, ये दिव्या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। कहाँ पर आता है ये? 78 विजयनगर इंदौर। तो क्या चीट कर रही थी बच्ची, क्या पकड़ा गया? ये मुझे पता नहीं, उसने ये बताया मुझे कि सामने वाली मैडम ने मुझे, मेरे से पेपर छीन लिए, वो डांटा मुझे, और पेपर देते समय काफी, और पेपर दोनों छुड़ा के मुझे भगा दिया। कौन सी क्लास? 9th क्लास में पढ़ती थी। 9th क्लास में पढ़ती थी। कब की घटना है ये? परसों की घटना है। क्या इलाज के दौरान मौत हुई? हाँ, शनिवार की सुबह। बच्ची का नाम शिवानी है, शिवानी पिता चंद्र, उसकी उम्र 16 साल है, 78 के रहने वाली है। वो दिनांक 28 को यानी परसों उसने अज्ञात जहरीली वस्तु खा ली थी। उसके पिताजी 10:15 बजे दिन में अस्पताल ले गए थे। इलाज के दौरान उसकी कल 29 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई। क्या कारण रहा है उसने सुसाइड करा है? जो अभी उसकी प्राथमिक जांच में है, अभी कोई कारण ज्ञात नहीं हुआ है। संभवतः परीक्षा देके आई थी, वो परीक्षा के तनाव में अथवा कोई और कारण होता भी। उसके पिताजी बता रहे थे कि परीक्षा में से उसको भगा दिया गया था, इसलिए उसने ऐसा, उसके पिताजी कथन में तो नहीं बताया है। फिर अगर इसी बात है तो फिर पुनः कथन लिए जाएंगे। स्कूल कौन सा है सर, कहाँ से भगाया था स्कूल? स्कूल कौन सा था? कॉन्वेंट स्कूल है जी। तो किस तरह की इन पे कार्रवाई की जाएगी सर? अभी कथन लिए जाएंगे उसके परिजनों का, कथन लिए जाएंगे। स्कूल की बात होती है, स्कूल ध्यान होंगे। मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होने पर ही श्रीमद् भागवत जैसी भगवान की दिव्य कथा श्रवण का सौभाग्य मिलता है। भागवत रूपी गंगा की धारा पवित्र और निर्मल है, जो पापियों को भी तार देती है। ये विचार यादवनंद नगर में चल रही भागवत कथा के पहले दिन कथावाचक बाल विदुषी अलकनंदा दीदी ने कही। कथा शुभारंभ के पूर्व क्षेत्र में भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के पूर्व कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र की करीब 5000 मातृशक्तियों के साथ विधायक संजय शुक्ला भी सपत्निक शामिल हुए। स्कीम नंबर 51 से निकाली गई कलश यात्रा में बैंड बाजे के साथ भजन मंडलियां भी शामिल हुई, जो भजन गाते हुए चल रही थी। यात्रा गोविंद कॉलोनी, दुर्गानगर, कर्मा नगर होते हुए यादव नंद नगर कथा स्थल पर पहुंची। यात्रा का जगह जगह पर विभिन्न मंचों से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आयोजक कोमल सोनी ने बताया कि कथा स्थल पर सभी भक्तों के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। कथा के पहले दिन शुकदेव आगमन, नारद जी की कथा, राजा परीक्षित को श्राप तथा विदुर कथा का प्रसंग सुनाया। बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दोपहर न्यूज। हर तरह की मानसिक और व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए विश्व के महान मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित साइकोथेरेपी अब इंदौर में।
साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, एक दवा रहित समाधान, डॉक्टर संजीव त्रिपाठी। मानसिक तनाव, काम में मन नहीं लगना, उदासी, अनिद्रा, अत्यधिक विचार, चिंता, डर, घबराहट, बेचैनी, अचानक तेज घबराहट, शंका या अजीब व्यवहार, बच्चों में सभी तरह की मानसिक, व्यवहारिक और पढ़ाई संबंधी समस्याएं, लर्निंग डिसेबिलिटी, स्लो लर्निंग, याददाश्त और एकाग्रता में कमी, नशा, मानसिक दौरा, हिस्टीरिया, कोई एक विचार या व्यवहार बार बार करना, लोगों से बात करने में दिक्कत महसूस करना, गंभीर शारीरिक बीमारियों की चिंता, मनोदैहिक समस्याएं, आत्महत्या के विचार आना, प्रेम और वैवाहिक समस्याएं, लंबे समय से साइकेट्रिक दवाइयों का सेवन। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से ग्रसित है तो एक दवा रहित समाधान द्वारा इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। परामर्श के लिए संपर्क करें डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, समर्थ साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सेंटर, पता पहली मंजिल हेरिटेज बिल्डिंग, हुकुमचंद घटाघर के सामने, MG रोड, इंदौर। मोबाइल नंबर 9300910036 8269429737। पूर्व समय लेकर आए, जज्बा वक्त बदलने का, उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का, आधार करियर के चयन का, तो आइए इंदौर कौटिल्य एकेडमी, जहां पूरे होते हैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और DSP बनने के सपने, जिसके शिल्पकार हैं नरेंद्र सिंह सोमवंशी। इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा में स्थित इंदौर कौटिल्य एकेडमी को PSC में सफलता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें। संपर्क करें 8883000733। आइए बुलेटिन में अब रुक करते हैं अन्य शहरों से जुड़ी खबरों की। रतलाम जिले की बड़ावदा पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम बालीखेड़ा के पास चंबल नदी फांटे पर नाकाबंदी कर एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों को पकड़कर उनके पास से अवैध हथियार बरामद किए हैं। मिली जानकारी अनुसार आरोपियों के पास से 3 देशी कट्टे और 12 जिंदा कारतूस मिले। पूछताछ में तीनों ने अपना नाम जानकीलाल पिता बच्चन सिंह, सोयती लाल पिता रतनलाल कंजर और बाबूलाल पिता लक्ष्मी नारायण कंजर निवासी लाखा खेड़ी कंजर डेरा जिला झालावाड़ राजस्थान बताया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तीनों कंजर कुख्यात बदमाश है। इनके खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज है। उनके पास से 3 सातिर कंजरों को पकड़ा है जो की राजस्थान डेरे के हैं। तीनों आत्मन अपराधी हैं, उनके ऊपर कई प्रॉपर्टी ऑफेंसेस पहले से रजिस्टर्ड हैं और तीनों अपराधियों के पास से 3 देसी कट्टे, 12 जिंदा कारतूस मिले हैं। कट्टे जो हैं वो लोडेड थे। तीनों को जो है थाने पे गिरफ्तार करके लाए हैं और 2527 आर्मसेट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में इन्होंने जो 1.25 महीने पहले ग्राम निम्बोदिया में एक व्यक्ति के ऊपर फायर किया था चोरी करने की नीयत से, उसके घर में घुसे थे, वो भी बात उन्होंने कबूल की है। आज उनका पुलिस रिमांड ले रहे हैं और आसपास के थाना क्षेत्रों में भी कई प्रकार इस किस्म की घटनाएं हुई हैं जिसमें इनके द्वारा जो है रिकवरी की संभावना है। सर आरोपियों के नाम सर? इसमें है जानकीलाल कंजर, सोहंतिया कंजर और बाबूलाल कंजर। ये तीनों जो है लाखाखेड़ी थाना गंगधार जिला झालावाड़ राजस्थान के रहने वाले हैं। नागदा शहर कांग्रेस के द्वारा घनी बस्तियों में गरीब बच्चों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया, साथ ही उन्हें चॉकलेट बिस्किट आदि भी वितरित किए गए। कांग्रेस की ये पहल अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायी बनेगी। पार्टी के प्रदेश प्रतिनिधि बसंत मालपानी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर छोटे बच्चों को अपने हाथों से पैर के मोजे पहनाए और बिस्कुट वितरित किए। इस अवसर पर युवा कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष कमल आर्य, जिला कांग्रेस संगठन मंत्री चेतन नामदेव, कमलनाथ विचार सद्भावना मंच मंडी जोन अध्यक्ष गोपाल गुर्जरवाड़िया, पद्म सिंह बोडाना, वीरेंद्र मालपानी, जितेंद्र चौहान, नागेश्वर चौहान, राहुल पांचाल, प्रकाश सोलंकी, राजेश चंद्रवंशी, गुड्डा परमार, महेश मालवीय, रितेश मालवीय, कैलाश मालवीय आदि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दोपहर न्यूज, नागदा। चंद्रावतीगंज क्षेत्र में स्थित विवेकानंद विद्या विहार स्कूल ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूल प्रबंधकों ने स्थापना के सफलतम 25 वर्ष पूर्ण करने पर अपना रजत जयंती महोत्सव मनाया। इस अवसर पर अनेक हस्तियां मौजूद थी।
इंदौर जिले की सांवेर तहसील के अंतर्गत चंद्रावतीगंज में विवेकानंद विद्या विहार स्कूल ने अपना रजत जयंती महोत्सव अत्यंत हर्षोल्लास से मनाया। स्थापना के सफलतम 25 वर्ष पूर्ण करने पर अपना रजत जयंती महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्कर्ष के रूप में अत्यंत हर्षोल्लास से मनाया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ देपालपुर विधायक विशाल पटेल, डीएसपी श्रीमती पुष्पा प्रजापति, बलराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के उच्च पदों पर सेवारत पूर्व छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सरपंच मनोहर ठाकुर, जिला पंचायत सोनू देसाई, महेश भदौरिया, कृष्ण गोपाल लड्ढा, आरपीएफ चौकी प्रभारी कपिल शर्मा, संजय कुमार, सुमित पटेल, राजेश राठौर, कैलाश राठौर उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम की सफलता के लिए प्राचार्य अनिल राठौर ने छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं पालकों के प्रति आभार व्यक्त किया। दोपहर न्यूज के लिए चंद्रावतीगंज क्षेत्र से शाकिर शेख की रिपोर्ट। खरगोन के बड़वा विकास खंड के ग्राम बेड़िया क्षेत्र में निर्धन प्रतिभावान विद्यार्थियों की सहायता के लिए एक पहल करते हुए श्री रेवा गुर्जर महासभा सहायता राहत कोष के लिए कार्यकारिणी का गठन किया गया है। कोष के अध्यक्ष समाज सेवी रामू सेठ, संगठन मंत्री मोहन मलगाया ने बताया कि इस कार्यकारिणी का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब निर्धन प्रतिभावान विद्यार्थी जिनके घर की स्थिति खराब होने से उच्च शिक्षा हेतु आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते, उन विद्यार्थियों को इस कार्यकारिणी के पदाधिकारियों द्वारा आर्थिक राहत कोष से आगे की पढ़ाई के लिए मदद की जाएगी। समिति द्वारा निर्धन विद्यार्थी कोष से लाभान्वित करने के लिए मापदंड एवं नियमावली का भी निर्धारण किया गया है। कोष समिति को जोन इकाई से ग्राम इकाई तक जोड़ने के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए। इकाई में तहसील के प्रत्येक गांव के सदस्य शामिल हुए। श्री रेवा गुर्जर समाज के द्वारा निर्धन जो छात्र एवं छात्रा है उनकी उच्च शिक्षा के लिए एक सहायता कोष के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है कि गरीब बच्चे जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और यदि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है तो उनकी कैसे मदद की जाए, इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया। राहत कोष में आज पूरी कार्यकारिणी बनी है, उनमें 11,000 रुपए के कुछ अंशदान करे हैं हमारे अध्यक्ष महोदय ने, करे हैं उपाध्यक्ष महोदय ने, करे हैं और पूरी कमेटी ने लगभग 11,000 रुपए आज शिक्षा कोष में दान के रूप में दिए हैं। और उस दान को जो फंड इकट्ठा होगा और जो बच्चे हमारे क्षेत्र में या समाज के जो भी बच्चे होंगे, गरीब बच्चे और जिनको पैसे की आवश्यकता है, उनको कमेटी निर्णय लेकर उनकी मदद करेगी। निर्धन विद्यार्थी सहायता कोष का गठन किया गया है। आज इस संबंध में बैठक रखी गई थी। इस समिति के अध्यक्ष श्री रामेश्वर जी भमोरिया रामू सेठ साहब की अध्यक्षता में आज का क्रम संपन्न हुआ, जिसमें कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी द्वारा आज यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि गुर्जर समाज के ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राएँ जो धन की कमी के कारण अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वह जो है अपने घर जो है अर्थ के अभाव में, धन के अभाव में जो है शिक्षा को न प्राप्त करने के कारण अपनी प्रतिभा होने के बाद भी जो है उच्च पदों पर आसीन होने की काबिलियत रखने के बाद भी जो है पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों को जो है इस समिति के माध्यम से सहायता कोष प्रदान किया जाएगा और उस सहायता कोष के माध्यम से वहाँ उच्च शिक्षा को वह आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, इसी उद्देश्य को लेकर इस समिति का गठन किया गया है। दोपहर न्यूज के लिए खरगोन के बेड़िया से अशोक कुमार शाह की रिपोर्ट। खरगोन के सनावा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम सगड़िया में पिछले दिनों हुए एक अंधे कत्ल का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। हत्या का आरोपी और कोई नहीं, मृतक का अपना खून ही निकला। उसने सोए हुए अपने पिता की सिर कुचल कर हत्या कर डाली। पहले पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक के बेटे ने चोरों की कहानी रची थी, लेकिन पुलिस को उसकी बातों से शक हुआ। इस पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की थी तो सारे मामले का खुलासा हो गया। क्या पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया, क्या पूरा घटनाक्रम था? 25 तारीख की रात में करीब 12:15 के आसपास ऐसी हमारी अंडरग्राउंड खबर मिली थी कि सगड़ियाओं में एक व्यक्ति की हत्या हुई है, तो वहाँ पर पुलिस बल पहुँचा, हंड्रेड डायल भी पहुँची, फिर मैं भी पहुँच गया। मेरे साथ अपने अधीक्षक नीरज लोधी और दीपक तलवारे, पाटिल साहब, हमारे काफ़ी बल हम लेके गए थे वहाँ पर। सगड़िया बड़ी संवेदनशील जगह है,
जब हम लोग गाँव पहुँचे तो वहाँ पे शिवपाल नाम का जो व्यक्ति लड़का है उसने बताया कि उसका खेत है सगड़ियाब से थोड़ा आगे। घटना स्थल पर हम पहुँचे तो वहाँ वो मौजूद था, तो वहाँ पे पाया कि उसने बताया कि मैं अपने पिताजी को पिताजी के साथ में खेत में पानी देने के लिए रात में करीब 9:30 बजे आया था और एक आध घंटा पानी देने के बाद में पिताजी 10:30 बजे नीम के झाड़ के नीचे सो गए और बोले मैं खुद वहाँ पे थोड़ी दूर पे वहाँ पे नाली बनाकर पानी दे रहा था। बोले मुझे अचानक एक धप्प से आवाज़ सुनाई दी तो मैं दौड़ता हुआ गया कि पप्पा क्या हुआ। तो वहाँ पे देखा तो 3 लोग खड़े हुए थे, वो 3 लोगों ने एक ने मेरी कार पकड़ी, दूसरे ने मेरी टी मैं भागने लगा तो मेरी टी शर्ट पकड़ी तो मेरी टी शर्ट फट गई, लेकिन मैं उनसे छूट के भागा और फिर गांव से मैं जीतेंद्र और अपने रिश्तेदारों को बुला के काफी लोगों को बुला के लेकर आया। दोपहर न्यूज के लिए अशोक कुमार शाह की रिपोर्ट। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने SP साविया खान के नेतृत्व में जाल बिछाकर एक कंटेनर जब्त किया है। उक्त कंटेनर में गुड़गांव से बेंगलुरु के लिए बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ ले जाया जा रहा था। कंटेनर में रखी नई वैगनार गाड़ियों में करीब 170 किलो डोडा चूरा ले जाया जा रहा था। टीम ने कंटेनर सहित पूरा माल जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स ब्यूरो SP साबिया खान ने बताया कि ये कंटेनर गुड़गांव से रतलाम मंदसौर होते हुए बेंगलुरु जा रहा था। मामले में आरोपी कैलाश सत्यनारायण और जितेंद्र को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। आशंका है कि ये आरोपी किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े हुए हैं और पिछले लंबे समय से ये गोरख धंधा कर रहे थे। हरदा नगर की सिविल लाइन में नगर व ग्राम रक्षा समिति का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजन में SP श्री विरदे सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान SP श्री भगवत सिंह विरदे ने संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस व नगर ग्राम रक्षा समिति गाड़ी के 2 पहिए हैं। एक पहिया टूट जाए तो गाड़ी चल नहीं सकती है, इसलिए ग्राम रक्षा समिति के सदस्य को भी पुलिस से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए, तभी हम अपने क्षेत्रों प्रदेश से अपराध को जड़ से खत्म कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से बचना चाहिए। अगर आपको ग्रुप में मैसेज आता है तो उसका आकलन करें, ये मैसेज सही है या गलत। आपको बिना सोचे समझे किसी मैसेज को फॉरवर्ड करना जेल तक पहुंचा सकता है। ध्यान रहे किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, विशेषकर धार्मिक भावनाएं तो बिल्कुल भी नहीं। इस मौके पर एडिशनल SP गजेंद्र सिंह भदौरिया व SGOP राजेश कुमार सूलिया, टिमरनी SGOP महेंद्र कुमार मालवीय, DSP रविन्द्र बास्कले, RI अनिल कवरेती व जिले के समस्त थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में ग्राम नगर रक्षा समिति के सदस्य उपस्थित थे। हम लोग जब शुरुआत में थे तो हम लोगों ने बहुत बात करी, ऊपर मैसेज करवाया कि साहब जो नए नए लड़के हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं ताजा, तो लगभग 8-10 साल से पुलिस भर्ती में 4 अंक इंटरव्यू में भी जो है हम लोगों को आलिखित वो थे कि हम लोग इनको फेवर करें। अब और उसमें चल रहा है कि ये कुछ और इसमें अंकों की संख्या बढ़ा दी। देखिए क्या होता है कि जिसका सिलेक्शन हुआ है कोई भी परीक्षा में और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसमें कहीं कहीं तो 0.1% का अंतर हो जाता है, कहीं 1% का अंतर हो जाता है, कहीं 2% का अंतर हो जाता है जिसका चयन हुआ और जिसका चयन नहीं हुआ। तो वो यदि आपको 4 अंक का भी यदि ये भी लाभ मिल रहा है तो वो आपके चयन में काफ़ी महत्व रखता है। नगर सैनिक की भर्ती में भी जो अभी हम लोग उज्जैन में हुई थी उसमें हमने ग्राम रक्षा नगर सुरक्षा समिति काफ़ी लोगों को लिया था। आगे पीछे एक भी बनेगा वो तो एक अपना एक जो नए लड़के हैं जो नए बच्चे हैं उनके लिए फायदा है, लेकिन जो हमारे पुराने सदस्य हैं भाई देखिए हर चीज़ फायदे की नहीं होती। हम सोचेंगे भाई क्या फ़ायदा है, तो आध्यात्मिक रूप से यदि आप बात करो तो नाश्वर जीवन है, प्रभु की भक्ति करोगे तो प्रभु में लीन हो जाओगे, हम लोग तो ऐसे ही लगे हुए हैं। लेकिन जब गांव में शहर में मोहल्ले में कहीं कोई चीज होती है। हरदा से दोपहर न्यूज के लिए सुनील मालाकार की रिपोर्ट। देवास जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम विक्रमपुर में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अधिकारियों की टीम पहुंची थी। शिविर में 296 समस्याओं के आवेदन प्राप्त हुए। सर्वाधिक 150 समस्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास जनपद विभाग से संबंधित थी।
जिले व विकास खंड खातेगांव के अंतर्गत महिला बाल विकास, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदर्शनी कैंप लगाया गया, जिसके माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। SDM संतोष तिवारी खातेगांव, CEO जनपद टीना पवार के अलावा विभिन्न विभागों के जिला व खंड स्तर के अधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकगण उपस्थित थे। एक्सटेंशन ओम पटेल अध्यक्ष जनपद पंचायत कन्नौद ने कहा कि जिन समस्याओं का समाधान मौके पर ही संभव है उनका निराकरण अधिकारीगण मौके पर ही सुनिश्चित करेंगे और जिनका निराकरण मौके पर संभव नहीं है उनके लिए समय सीमा तय की जाएगी। साथ ही कहा कि क्षेत्र के लोग शिविर में अपनी समस्याओं को रखें ताकि उनका समाधान हो सके। पूर्व विधायक कैलाश कुंडल ने कहा कि विकलांग लोगों को सही समय पर पेंशन क्यों नहीं मिल पा रही है, आजादी के 70 वर्ष बाद भी इलाज के लिए लाइन में क्यों लगना पड़ रहा है, राशन के लिए लाइन में लगना क्यों पड़ रहा है, देश के अन्नदाता किसानों को खाद के लिए लाइन में लगना क्यों पड़ रहा है, प्रशासन मूक दर्शक क्यों है। मैडम क्या कार्यक्रम था आज? आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड खाते गांव में ग्राम पंचायत स्तर विक्रमपुर में शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। गौशाला निर्माण के लिए मैडम आज कुछ प्रश्न उठे हैं, माननीय यहाँ के जनप्रतिनिधि ओम पटेल जी ने आपको उस बारे में क्या जानकारी दी है और क्या लेना चाहते थे वो? मनरेगा योजना में प्रावधान है कि जो मटेरियल और लेबर का जो रेशो होना चाहिए वो 60:40 होना चाहिए। गौशाला चूँकि मटेरियल आधारित है इससे पंचायत स्तर पे मजदूरी और मटेरियल का जो रेशो है वो बिगड़ता है। इसके संदर्भ में राज्य शासन स्तर से सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसी पंचायतें जहाँ पे गौशाला ली गई है वहाँ पे अधिक से अधिक हितग्राही मूलक और लेबर नियोजित कार्य लिए जाकर इस रेशो को मेंटेन किया जाए। इसमें सिर्फ ये एक तरह से नोटिस नहीं है, ये शासन के निर्देश हैं कि अधिक से अधिक हितग्राही मूलक काम लें हम ताकि वो रेशो मेंटेन रहे। दोपहर न्यूज के लिए देवास जिले के कन्नौज से चंचल भारती की रिपोर्ट। साबिर में सोमवार को सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने किसान समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सोमवार को सावेर क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान सहकारिता मंत्री के हाथों हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मध्य प्रदेश का अन्नदाता हमारी रीढ़ की हड्डी है, तीखी उन्नति की, एक छत के नीचे सारी सुविधाएं, खाद भी मिले और बीज भी मिले, मार्गदर्शन भी मिले, जागरूकता का कैसे खेती करना इसकी भी जानकारी मिले। मैं सम्मानीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी का सावेर की जनता की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं और जो एक सौगात उन्होंने दी है मैं उनका आभारी हूं। शून्य शक्ति अभियान जो कई वर्षों से, कई दिनों से मेरा अन्नदाता, मेरी माँ, मेरी बहन, एक पटवारी से लेकर SDM तक एक महीने नहीं कई कई वर्ष घूमते थे, ये शून्य शक्ति अभियान है ये। कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मंत्री तुलसीराम सिलावट के नेतृत्व में क्षेत्र का काफी विकास हो रहा है, वह इस प्रकार से हमेशा से भागी बने रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देख रहिए दोपहर न्यूज। हर तरह की मानसिक और व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए विश्व के महान मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित साइकोथेरेपी अब इंदौर में। साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, एक दवा रहित समाधान। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी। मानसिक तनाव, काम में मन नहीं लगना, उदासी, अनिद्रा, अत्यधिक विचार, चिंता, डर, घबराहट, बेचैनी, अचानक तेज घबराहट, शंका या अजीब व्यवहार, बच्चों में सभी तरह की मानसिक, व्यावहारिक और पढ़ाई संबंधी समस्याएं, लर्निंग डिसेबिलिटी, स्लो लर्निंग, याददाश्त और एकाग्रता में कमी, नशा, मानसिक दौरा, हिस्टीरिया, कोई एक विचार या व्यवहार बार बार करना, लोगों से बात करने में दिक्कत महसूस करना, गंभीर शारीरिक बीमारियों की चिंता, मनोदैहिक समस्याएं, आत्महत्या के विचार आना, प्रेम और वैवाहिक समस्याएं, लंबे समय से साइकेट्रिक दवाइयों का सेवन,
अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से ग्रसित है तो एक दवा रहित समाधान द्वारा इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। परामर्श के लिए संपर्क करें डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, समर्थ साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सेंटर, पता पहली मंजिल हेरिटेज बिल्डिंग, हुकुमचंद घटाघर के सामने, MG रोड, इंदौर। मोबाइल नंबर 9300-9100-36, 8269-429737। पूर्व समय लेकर आए। जज्बा वक्त बदलने का, उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का, आधार करियर के चयन का। तो आइए इंदौर कौटिल्य एकेडमी, जहां पूरे होते हैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और DSP बनने के सपने, जिसके शिल्पकार हैं नरेंद्र सिंह सोमवंशी। इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा में स्थित इंदौर कौटिल्य एकेडमी को PSC में सफलता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें 888-9300-73।